नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। चंद ही दिनों में दिल्ली में हुए हुए दंगों की तीसरी एनिवर्सरी एक आने वाली है और हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं आज हर्ष मंडल जी। उनका परिचय है, वो कारवान और मोहब्बत से एसोसिएटेड हैं और सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज़ के साथ भी दिल्ली में। उनका एक खास कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया है जो सैटरडे को है। आइए मुझसे पूछते हैं कि इसका पर्पस और ये क्यों किया गया है। आपका स्वागत है हर्ष मंडल जी। सबसे पहले आप ये बताएं कि आपके कार्यक्रम में कई लोग आने वाले हैं जो दंगा पीड़ित हैं, उनकी कहानियां शायद वो जनता के सामने कहेंगे। इससे आपको लगता है क्या फ़ायदा होता है, क्या इसका असर क्या पड़ता है? देखिए, 3 साल गुजर गए हैं आज़ादी के बाद, पार्टीशन के बाद। हिंदू मुस्लिम, इससे बड़ा हिंदू मुस्लिम दंगा दिल्ली में नहीं हुआ है। लेकिन हम आसपास देखें तो लगभग सब भूल गए हैं और याद रखना बहुत ज़रूरी है। मेरा विश्वास है कि हमें मूविंग ऑन, कई बार लोग कहते हैं हमें हक है टू मूव ऑन, जब वहाँ के जो असरग्रस्त लोग हैं दे कैन मूव ऑन, और जब तक उनकी पीड़ा में से वो डील नहीं कर पा रहे हैं तब तक हमें हक नहीं है समाज में और सरकार में तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं वो याद करना। और असरग्रस्त लोगों के हमने वीडियोस भी शूट किए हैं क्योंकि उनके लिए ज़्यादा आसान है और हम दिखाएंगे, लेकिन वो हमारे बीच में भी मौजूद होंगे। और दूसरा कि याद करने के साथ साथ ये हमें देखना है कि सरकार ने क्या किया है। और यहाँ मैं हम लोग एक रिपोर्ट कॉम्पनसेशन का रखना चाह रहे हैं। और बहुत मैं जब भी वहाँ जाता हूँ पीड़ा होती है कि समाज भी भूल गया है लेकिन सरकार ऑलमोस्ट एब्सेंट, ये एब्सेंट स्टेट मौजूद ही नहीं है उनके बीच में। तो वो हम प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। और एक आखिरी चीज़ इस प्रोग्राम में हम करने की कोशिश कर रहे हैं वो है उन लोगों को याद करना जिन्होंने जान बचाए, जी जी, जिन्होंने नफरत के बीच में मंदिर मस्जिद बचाए, लोगों को बचाया। वो हम एक्चुअली बड़ा कार्यक्रम करना चाह रहे थे लेकिन एक इतना अजीब माहौल है आज हमारे देश में कि बहुत सारे हिंदू समाज के लोग जो जिन्होंने जाने बचाए वो कह रहे हैं हम सामने नहीं आना चाहते। मतलब उन्होंने एक्शन से दिखाया कि वो क्या हैं लेकिन वो बोलना नहीं चाहते कि उन्होंने क्या किया। तो ये मैं कह रहा हूँ कि क्या ये दौर है कि इंसानियत और साहस करने वाले लोग अब घबरा रहे हैं कि मतलब हमें सम्मान के जगह पता नहीं किस चीज़ का उनको डर है। लेकिन हम उनको सामने नहीं ला रहे हैं जो नहीं होना चाहते हैं, लेकिन जिनकी जानें बचाएंगे उनके थोड़े से लोग हम रख रहे हैं ये याद करने के लिए कि नफरत के बीच में भी ये देश में इंसानियत आज भी है, उसको भी हम याद करने की कोशिश करेंगे। एक तरह से जो दिल्ली में जो दंगा हुआ था उसको एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी के तौर में सरकार ने देखा, केंद्र की सरकार ने, और दिल्ली सरकार ने अनाउंस किया बार बार कि वो उन कंपनसेशन देगी और दूसरी तरह की राहत देगी। तो लोग इन दोनों सरकारों के बीच में एक तरह से पिस गए हैं क्योंकि जहाँ तक कंस्पिरेसी का सवाल है, मैंने कई बार कहा है कि हाँ कोई दंगा मतलब कुछ घंटों से ज़्यादा चले तो आप मान के चलें कि ये तभी चलेगी अगर सरकार चाहती है कि चले। तो एक कंस्पिरेसी है लेकिन वो कॉन्स्पिरेसी नहीं है जो सरकार या दिल्ली पुलिस कह रही है, ये मेरा मानना है। और जहाँ तक कॉम्पिटिशन का सवाल है, मुझे लगता है कि कोई सभ्य समाज का ये फ़र्ज़ है कि
जिसकी जाने गई हैं वो वापस नहीं आ सकती हैं, लेकिन हमारा फ़र्ज है कि जो बच गए हैं उनकी हालत पहले से और बेहतर करें, यह हमें सुनिश्चित करना है, और वो बिल्कुल नहीं हुआ है। तो हम क्या एक सभ्य समाज हैं क्या? हम उसके संकेत इस संदर्भ में तो बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। मंडर साहब, और हमें बताइए कि इस प्रोग्राम में क्या क्या आपने इंक्लूड किया है, क्या क्या फीचर्स रहेंगे? देखिए, इस प्रोग्राम में हम लोग मुख्य तौर पे तीन चीज़ें करेंगे। एक, असरस लोगों की बातें सुनना। उसके लिए हम लोगों ने पिछले हफ्तों में कोशिश की है, लगभग 5 छोटी फिल्में हमने बनाई हैं जहाँ पे हम सुनेंगे असरस लोगों की बात। ये हमारे प्रोग्राम का सबसे बड़ा हिस्सा होगा। दूसरा, कॉम्पनसेशन पे जो हमने रिपोर्ट बनाई है, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं जस्टिस मदन लोकुर, उनके हाथों से इसको रिलीज़ कराएंगे और उस पर बातचीत होगी। मतलब हम जो यंगर लॉयर्स हैं जो उस पर इसको डील कर रहे हैं वो उसके बारे में बात करेंगे, और कुछ सीनियर्स से हम उस पर उनकी प्रतिक्रिया सुनेंगे कि कॉम्पनसेशन में क्या हुआ और क्या होना चाहिए था। ये दूसरा हिस्सा। और तीसरा हिस्सा, जैसे मैंने जिन लोगों ने नफ़रत के बीच में मोहब्बत और साहस दिखाया, मुझे लगता है कि भारत में, इंडिया में अगर हमें किसी चीज़ पे सबसे ज़्यादा गर्व होना चाहिए वो ये है जो इस सब के बीच में मोहब्बत की बात कर पाता है या कर पाती है। तो ऐसे कुछ लोगों से परिचय हम करेंगे, मतलब उनकी वो सामने नहीं आ रहे हैं लेकिन हम एक छोटा सा फिल्म बनाए हैं जहाँ पे जिन लोगों की जानें बचाई गई वो उसकी बात करेंगे। कोई भी सामने नहीं आया उनमें से? बहुत मुश्किल से कोई तैयार नहीं हो रहा है। एक हिंदू समाज का आदमी आए हैं लेकिन मैं गुजरात के 2002 के हिंसा के बाद मैं बहुत सालों तक वहाँ काम किया। हम लोग हर साल उसका मतलब याद करते थे जी। लेकिन ये कल्पना मैंने की कि हम याद करेंगे हर बार उन लोगों ने जिन्होंने जाने बचाई। पर वहाँ दोनों लोग आते थे और बहुत अच्छी तरह से आते थे, तो जिसकी जान बचाई और जिसने बचाया और वो इकट्ठा मिल के प्रेम के साथ सामने आते थे और कई 100 लोग इकट्ठा होते थे इसको देखने के लिए। मुझे लगता है कि क्या हो रहा है हमारे समाज में जहाँ अब नफ़रत फैलाने वाले हम देख रहे हैं, अभी मेवात की कहानियाँ आप देख रहे हैं जो सीना तान के नफ़रत की बात कर रहे हैं, लेकिन मोहब्बत की बात करने वाला पता नहीं उसको लगता है कि वो एंटी नेशनल है या मज़हब विरोधी है। हम मज़हब का मतलब भी भूल गए हैं। तो इसलिए लेकिन फिर भी हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा उन लोगों को याद करना, उनको अपना सम्मान व्यक्त करना जिन्होंने इस सब के बीच में मोहब्बत और हिम्मत दिखाई। आपने ये डेटा कैसे इकट्ठा किया, इन्फॉर्मेशन कॉम्पनसेशन के ऊपर? एक्चुअली मेरे साथी लगे हुए हैं और यंग लॉयर्स दूसरे संगठन के, हम लोग लगभग 108 कॉम्पनसेशन केसेस कोर्ट में चला रहे हैं। तो इसलिए एक काफ़ी उसके बेसिस पे बहुत कुछ समझ में आया है। और फिर जैसे रिसर्च होता है लेकिन हमारे डायरेक्ट अनुभव के कारण से इसलिए बहुत ज़रूरी भी हमें लगा कि हम न्याय में जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ये हम थोड़ा बहुत जानते हैं लेकिन कॉम्पनसेशन में जो सरकार की भूमिका होनी चाहिए वो नहीं हुई है, उसको सामने रखना बहुत ज़रूरी। राइट, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमें कई बार दिखता है खबरों से और इवेंट्स जो हमारे आसपास हो रहे हैं कि सरकार सुनती नहीं है और जनता भी, जैसे आपने कहा, जितना उसको सुनना चाहिए नहीं सुन रही है। तो
फिर क्या आपको कभी लगता है कि मेरा काम हम जो कर रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं? मैं एक कहानी से ही यहाँ समाप्त करता हूँ, मतलब इस बात को पूरा करता हूँ। अनीस किदवाई हैं, इनका ये आज़ादी के वक्त पार्टीशन के बाद दंगे हो रहे थे बहुत चारों तरफ, और गांधी जी के पास वो आए, उनके पति को मारा गया था दंगों में, किसी को बचा रहे थे, फिर भी वो गांधी जी के पास आए। और वो याद करते हैं कि गांधी जी बहुत उदास थे, दिल्ली में थे, और उन्होंने कहा कि मेरा काम तब तक पूरा नहीं होगा जब तक एक मुस्लिम बच्चा इस शहर में बिना डर के घूम ना सके। मैं इस बात को बार बार याद करता हूँ। मैं हम दिल्ली में बैठे हैं, गांधी जी का वो काम, मतलब उससे कितना कितना उनका काम बचा है। इसलिए हम लोगों को कोशिश करते रहना होगा, ज़मीर को जगाने की कोशिश, और मोहब्बत और इंसाफ दोनों की बात करना, और उसके लिए कोशिश करते रहना ज़रूरी है, चाहे कैसा भी वक्त आए, कैसा भी वक्त आए। बहुत शुक्रिया आज मैडम।